स्वागत है आप सबका आपके ही YouTube चैनल में स्टे विथ मी में। और आज हम वैकेंसी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक काम की बात बताने जा रहे हैं। हमें एज ए इंडियन, अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत में नंबर वन पोजीशन पर कौन है। ये हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ पर होंगे ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे या गवर्नमेंट ने इन्हें कुछ ऐसी पदवी, कुछ भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्मश्री कुछ ऐसा दे रखा हो, जिनकी गिनती आती है एक ओहदेदार पदों में भारत सरकार में, ठीक है। तो भारत सरकार जिन्हें सबसे सर्वोत्तम पद का दर्जा देती है, हम देखेंगे कुछ पदों के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत पर नॉट अदर देन प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले कौन आते हैं भारत में, प्रेसिडेंट जी हमारे, जिन्हें हम प्रथम नागरिक भी कहते हैं, प्रथम नागरिक, ठीक है। तो भारत के प्रथम नागरिक कौन हुए, प्रेसिडेंट जी, और सबसे ओहदे वाला पद होता है प्रेसिडेंट का भारत में, ठीक है। नंबर दो पे कौन आते हैं, नंबर दो पर हमारे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट जी। तो ये सेकंड नागरिक, प्रथम नागरिक हमारे हो गए प्रेसिडेंट जी, और फिर इसके बाद दर्जा मिलता है वाइस प्रेसिडेंट जी को, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के हेड भी होते हैं। तो अब इसके बाद तीन नंबर पर कौन आता है, ओहदेदार पद आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री जी का, जो कि करंट में चल रहे हैं, कोई सब कोई जानता है इन्हें, नॉट अदर देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं हम, तीन नंबर तक हमने देख लिए। अब चार नंबर पर कौन आते हैं, गवर्नमेंट गवर्नर्स ऑफ स्टेट, राज्यपाल जिन्हें हम प्यार से कहते हैं राज्यपाल। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जो कि बिठाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो जब जिसे राष्ट्रपति भाई पावर देगा उसके पास पावर तो होगी, तो गवर्नर ऑफ स्टेट याद रखिएगा चार नंबर पे आते हैं राज्यपाल, हर स्टेट में होते हैं। तो ये राज्यपाल को चौथे नंबर पर पावर्स मिली हैं, इंडिया में चौथे नंबर पर आते हैं। पांचवें नंबर पर कौन आते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, जो पुराने प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं वो आते हैं पांचवें नंबर पर, उनकी पावर्स आती है। इसके बाद छठवें नंबर पर हम देखेंगे चीफ जस्टिस हमारे आते हैं, जिसे CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चीफ जस्टिस, अब करंट में कमेंट करके आप बताइए कि भैया करंट में कौन चल रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ, अभी रिसेंट में चेंज हुए हैं, दीपक मिश्रा जी से चेंज हुए, नए आए हैं, तो आप उन्हें बताइएगा कौन चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो चीफ जस्टिस की पोस्ट आती है छह नंबर पे, और इनके बराबर ही आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा आते हैं इसके बराबर पे ही, छह नंबर पे ही बराबर पावर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम सात नंबर पे कौन आते हैं हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ठीक है, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारे बराबर पावर रखते हैं और सात नंबर पे आते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कि जो है ना, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये स्पीकर लोकसभा से नीचे होते हैं, तो आप सात नंबर पे, ये सब एक सबकी एक साथ बराबर पावर होती है। राज्यसभा एंड लोकसभा के जो भी होल्डर्स ऑफ भारत रत्न सातवें नंबर, और भारत रत्न के बराबर ही, जैसे एक मुख्यमंत्री हिमालय योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उनके बराबर पावर्स होती है जो हमारे भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी, तो जितनी उनका ओहदा गवर्नमेंट ने दिया उतना ही मुख्यमंत्री जी का ओहदा है। तो ध्यान रखिए, भारत रत्न एक अच्छी पावर रखता है, एक अच्छे ओहदे वाला पद हो जाता है जब किसी को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाता है। आठ नंबर पर देखें अम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू इंडिया, मतलब कि जैसे अपनी कंट्री जो कॉमनवेल्थ कंट्री है, जो मतलब अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ राज किया जिसे कॉमनवेल्थ कंट्री बना दी गई है, तो वहाँ पर जो हमारे गए हैं, जो अम्बेसडर गए हैं, उन अम्बेसडरों को आठ नंबर पर रखा गया है और उन्हें एक अच्छी पावर्स दी गई है। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वेन आउटसाइड दियर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स वेन आउटसाइड दियर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब कि इन्हें भी बराबर पावर दी गई है, ठीक है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब देखो CJI तो काफ़ी ऊपर थे, ठीक। उसके बाद आते हैं नौ नंबर पर आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, जो दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जज हैं वो आते हैं नौ नंबर पे। इसके बाद कौन कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, और कंट्रोल एंड ऑडिट कैग आती है हमारी। तो नौ नंबर पे कौन आता है, यूनियन UPSC के जो हमारे कमीशन होता है उसके जो चेयरमैन आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, और हमारे कंट्रोल एंड ऑडिट जो कैग के ऑफिसर्स होते हैं, हेड ऑफिसर, वो आते हैं। तो ये हमारे नौ नंबर के। दस नंबर पर देखेंगे कौन आते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो उप मुख्यमंत्री कहते हैं वो आते हैं, डिप्टी उप मुख्यमंत्री ऑफ उप स्पीकर ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ नीति आयोग एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे दस नंबर पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हम एक से एक करके पावर देखते जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली में एक गवर्नर रहे हैं, उनका जो हमारे मफलर मैन रहे हैं हमारे, जो अरविंद केजरीवाल, उनके साथ काफ़ी अच्छी बनती थी, तो वो आते हैं हमारे 11 नंबर पर, पावर्स रखते हैं रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये बराबर की पावर रखते हैं 11 नंबर पर, ये सारे लोग आते हैं।
12 नंबर पे देखेंगे चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक। अब ये आ जाते हैं यहाँ से आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो हेड्स होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ, जैसे एयरफोर्स के चीफ हो गए और आर्मी के चीफ हो गए, नेवी के चीफ आते हैं, 12 नंबर पे इनकी वैल्यूज आती है गवर्नमेंट में, ठीक है, इसके ऊपर इतने सारे लोग होते हैं। इसके बाद 13 नंबर में देखेंगे इनोवर्स एक्सट्रॉर्डिनरी एंड मिनिस्टर्स स्प्लेंडिडली एंड एक्रेडिटेड टू इंडिया, इनकी वैल्यूज आती है। 14 नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, अब राज्यों के जो हो गए चीफ जस्टिस उनकी वैल्यूज आती हैं। इसके बाद चेयरमैन एंड स्पीकर ऑफ राज्य के जो भी चेयरमैन जो स्पीकर्स हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए, ठीक है, तो स्टेट्स के 14 नंबर पे आ गया। 15 नंबर पे देखेंगे कौन आते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरेटरी, जो हमारी यूनियन टेरेटरी 7 है उनके आते हैं। इसके बाद रिस्पेक्टिव यूनियन टेरेटरी के आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आते हैं, दिल्ली के काउंसिलर जो हैं वो आते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूनियन, ठीक है, तो यूनियन के जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। तो हमने 15 नंबर से डिस्कस कर लिए और ये आपके लिए सफिशियंट होंगे इतने, क्योंकि हमने मोस्टली जो भारत की जो एक अच्छे पद होल्ड करते हैं लोग उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। थोड़ा वीडियो मैंने ये जल्दी बनाया, थोड़ा टाइम की कमी के चलते थोड़ा ये जल्दी मैंने ये वीडियो कवर करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो इस वीडियो हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नई वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम।